200 आईपीएल रिकॉर्ड्स की इस खास वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल के हर सीजन में अब तक कौन कौन से खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 से। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज सुरेश रैना आईपीएल के पहले ही सीजन में 421 रन बनाकर सीएसके की तरफ से टॉप रन स्कोरर रहे थे। तो वहीं उस साल 17 विकेट चटकाकर मनप्रीत गोनी सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने थे। आईपीएल 2009 में सीएसके की तरफ से बल्लेबाजों में मैथ्यू हेडन और गेंदबाजों में मुथैया मुरलीधरन सबसे आगे रहे थे, जहां मैथ्यू हेडन ने सबसे ज्यादा 572 रन बनाए। तो वहीं 14 विकेट चटकाकर मुरलीधरन सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। साल 2010 की बात करें तो एक बार फिर सुरेश रैना ने ही सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 520 रन बनाए थे। तो वहीं 15 विकेट चटकाकर मुथैया मुरलीधरन एक बार फिर टॉप पर रहे थे। आईपीएल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज माइकल हसी ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 492 रन बनाए थे। तो वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन 20 विकेट चटकाकर टॉप विकेट टेक कर रहे थे। अगर आईपीएल 2012 की बात करें तो इस साल एक बार फिर सुरेश रैना ही सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सबसे आगे थे, जिन्होंने उस साल 441 रन बनाए थे। तो वहीं 15 विकेट्स के साथ ड्वेन ब्रावो उस साल सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने थे। आईपीएल 2013 में सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी में माइकल हसी और गेंदबाजी में ड्वेन ब्रावो ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जब हसी ने उस सीजन 733 रन बनाए थे। ये आईपीएल के एक सीजन में सीएसके की तरफ से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। अभी तक कोई और सीएसके का खिलाड़ी एक सीजन में इतने स्कोर नहीं बना सका है। तो वहीं ड्वेन ब्रावो ने इस साल सिर्फ 18 मैचों में 32 विकेट चटकाकर कमाल कर दिया था। ये सिर्फ सीएसके की तरफ से ही नहीं बल्कि आईपीएल में किसी भी टीम के गेंदबाज द्वारा एक सीजन में चटकाए गए सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। साल 2014 की बात करें तो इस साल वेस्ट इंडीज के ड्वेन स्मिथ 566 रन बनाकर सीएसके की तरफ से टॉप रन स्कोरर रहे थे। तो वहीं गेंदबाजी में मोहित शर्मा 23 विकेट चटकाकर सबसे आगे थे। अगर बात करें आईपीएल 2015 की तो उस साल न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम 436 रन जड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। तो एक बार फिर ड्वेन ब्रावो ही सीएसके की तरफ से टॉप विकेट टेकर रहे थे, जिन्होंने तब 26 विकेट चटकाए थे। सीएसके की टीम आईपीएल में साल 2016 और 2017 यानी दो साल के लिए बैन हो गई थी, लेकिन जब 2018 में इस टीम ने वापसी की तब टीम के बल्लेबाज अंबती रायडू 602 रन बनाकर सीएसके की तरफ से टॉप रन स्कोरर रहे थे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने उस साल सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 16 विकेट चटकाए थे। और पिछले साल यानी आईपीएल 2019 में टीम के कप्तान एमएस धोनी ने सबसे ज्यादा 416 रन बनाए। तो वहीं गेंदबाजी में स्पिनर इमरान ताहिर ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 26 खिलाड़ियों को आउट किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो आईपीएल 2020 चल रहा है उसमें सीएसके का कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा और कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट चटकाने में कामयाब होगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और आईपीएल के ऐसे और रिकॉर्ड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।